और हमारे बीच अभी मनोहर जी पधार चुके हैं, राजद उम्मीदवार MLC पद के लिए इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार है इनकी इस चुनाव में और जोर शोर से मैदान में उतरे हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, क्योंकि आप पहली बार आ रहे हैं। और सर, इस चुनाव पे प्रकाश डालें, ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है और कैसा चल रहा है सर? पहली बार हम चुनाव में MLC चुनाव में आए हैं और पहली बार जनप्रतिनिधि अपने सम्मान, अधिकार, सुरक्षा और अपने वेतन भत्ता, अपने हित के सवाल पर और अपने पंचायत के विकास में सहयोग के सवाल पर और अपने लिए जमजुट करके वोटिंग किए हैं। और जनप्रतिनिधि ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए, अपने अधिकार की रक्षा के लिए हमें बढ़ चढ़ के वोट दिया है। और बेगूसराय, खगड़िया दोनों जिला में एक भी ऐसा प्रखंड नहीं है जहां हम लोग मजबूती से बढ़त बनाए हुए नहीं है। लगातार हम बता दें, हम अपने जनता को जो लगातार चेयरमैन रह चुके हैं खगड़िया के, और युवा में इनकी खास करके बहुत पकड़ है, यूथ पावर जो है पूरे मतलब खगड़िया बेगूसराय का हमेशा इनके समर्थन में रहता है। और जैसा कि इनका कहना है, जो पूरे जोश खरोश के साथ जनता भी इस बार जो भी प्रतिनिधि चयनित हुए हैं इनके सपोर्ट में है। ये सही है कि युवा इस बार 80% जनप्रतिनिधि युवा है। और आप देखिएगा कि महाभारत हो, रामायण हो, कृष्ण का ये हो, कंसबद्ध हो, जब भी कोई इतिहास रचा है तो युवा ही रचा है। भगवान राम जब युवा थे उस समय जो है रावण को मारे, कृष्ण जब युवा थे तो कंस को मारे और इस धरती पर जो है अधर्म का नाश किए। तमाम युवा ही देश का इतिहास लिखता है, दुनिया का इतिहास लिखता है। इसलिए युवा ने इस बार बेगूसराय और खगड़िया का इस MLC चुनाव में इतिहास लिख दिया है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हम आपको बता दें, जो हम राजद के कैंप में हैं, सदर ब्लॉक के बाहर खड़े हैं और अपार जन समर्थन खगड़िया में खास करके इनका सब दिन रहा है और हमेशा यहाँ पे युवा बुजुर्ग जो भी हैं इनके समर्थन में खड़े दिखे हैं। तो हमारे साथ नंदकेश जी हैं जो तेताराबाद चंदपुरा के मुखिया हैं, युवा मुखिया हैं, और जैसा युवा पे हमारे सर भी चर्चा किए हैं, तो इनके दृष्टिकोण से कैसा चुनाव रहेगा नंदकेश जी, हमारे जनता को आप बताएं। सिर्फ खगड़िया बेगूसराय में ही नहीं, पूरे बिहार में परिवर्तन का लहर चल रहा है और आप सभी लोग जानते हैं कि सिर्फ युवाओं के ही आइकॉन नहीं, गरीबों के भी मसीहा जी। और जब भी खगड़िया के धरती पर प्रेत, शोषित, वंचित इनके यहाँ मदद की गुहार लगाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जात धर्म देख करके इन्होंने मदद किया है। आज तक इन्होंने जाति धर्म को से ऊपर उठकर मदद करने का कार्य किया है। तो अब तो सम्मानजनक बात यह है कि जनप्रतिनिधियों ने 12 वर्ष वनवास काट लिया है। अच्छा, अब भाई राम की तरह लोग 14 वर्ष वनवास नहीं काटेगा, 12 वर्ष काफी हो गया, नाक से ऊपर हो गया। परिवर्तन की लहर चल रही है, आप सब देख रहे हैं। खगड़िया के सभी जनप्रतिनिधि भाई मनोहर जी के पक्ष में अपना मतदान दे दिए हैं और इसकी गिनती 7 तारीख को पता चल जाएगा। और फिर सरकार को भी इस बात से पता चल जाएगा कि जो मुखिया, जनप्रतिनिधि, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य को ठगने का जो काम करता है, 500,000, 1500, 2000 का महीना दे करके सुरक्षा के नाम से जीरो। अभी 2021 में मुखिया का चुनाव हुआ, लगातार 7 मुखिया की हत्याएं हो गई। इन सभी का हिसाब किताब आज 4 तारीख को पूरे बिहार में कर दिया गया है। अब देखना ये लाजमी होगा, ये परिवर्तन की लहर है और इस लहर में पुराने जो लोग भी जनप्रतिनिधियों के साथ सौतेला व्यवहार किया है उनकी खटिया खड़ी है भाई जी। जैसा कि देख रहे हैं, नंदकेश जी का कहना है, जो 12 वर्ष का वनवास कटा, 12 वर्ष के बाद जो है परिवर्तन का पूरा लहर पूरे बिहार में चल रहा है, तो देखते हैं परिणाम 7 तारीख को आना है। और मनोहर जी के समर्थन में इतने आदमी खड़े हैं, परिणाम उसी दिन पता चलेगा। और हमारे साथ हैं एक और युवा हैं, प्रदीप यादव जी हैं,
और इनसे हम जुड़ते हैं और जानते हैं जो मनोहर जी के फेवर में इस बार ये MLC चुनाव कैसा रंग लाएगा और कितना मतलब इनके लिए फायदेमंद होगा। देखिए, अभी तक तो 70% से अधिक मतदान हो चुका है और जो फीडबैक अभी तक हमने लिया है, खास करके बेगूसराय और खगड़िया के लोगों से, जनप्रतिनिधि लोगों से जी, तो परिवर्तन का जो एक बयार था, क्योंकि पंचायत का चुनाव जो इस बार हुआ उसमें 80-90% जो पुराने मुखिया थे वो हार चुके थे चुनाव जी। मतलब वहाँ भी परिवर्तन की आंधी चली थी और नए लोग चुनाव जीत करके आए, और इस चुनाव में भी वही हुआ। 12 साल से जो रोटी एक ही तावा पर जल रहा था उसको जनप्रतिनिधि ने मिलकर के पलट देने का काम किया है और परिणाम महागठबंधन के पक्ष में है और खगड़िया बेगूसराय क्षेत्र से मनोहर यादव जी भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। हमारी अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और तमाम जो हमारे साथ यहाँ पे प्रतिनिधि लोग जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे जरूरी बात, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।